Hi guys, good evening everyone. Welcome to my channel. Today we are going to talk about RBI Grade B. RBI Grade B examination is expected to happen very, very soon. It is about to come out. And now that it is about to come out, it is very important that we understand the intensity of this examination and try and figure out the right strategy for the next 60 days. अगले 60 दिन में किस तरह से आपको तैयारी करनी है. फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको क्या क्या कवर करना है, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर. आई हैव डिवाइडेड एन एंटायर सेट ऑफ स्ट्रैटेजी इन अ टोटल ऑफ 6 पेजेस. ओके, 6 पेजेस में मैंने डिवाइड किया है. द 6 पेज इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिगर. व्हाट यू हैव टू डू इज टेक द प्रिंट आउट ऑफ दीज पेजेस एंड पुट देम इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी एरिया. आपको अपने स्टडी एरिया के सामने ये 6 के 6 पेजेस लगाने हैं. This is not only a timetable, please let me remind you, this is an entire strategy and not a strategy only for the namesake, but a very comprehensive strategy which is going to determine every small point that you have to keep in mind while preparing for this examination. क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं इस एग्जाम की तैयारी करते हुए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. I'm going to start with the sixth page, the last page, which includes what to study in the next 60 days. अगले 60 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है. ये प्रिंट आउट नहीं लोगे इसका तो लूज आउट कर जाओगे, दैट इज अ सर्टेनिटी. सो प्लीज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस. द PDF ऑफ दिस इज अवेलेबल इन आर टेलीग्राम, इन माई टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप. इस सेशन से पहले डाल दिया है तो प्लीज़ उस चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन से और ग्रुप पर जाके इसका इसको सेव कर लो और इसको अभी खोल के रख लो साइड में. ओके, वी हैव टू हैव एन एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन व्हाइल वी आर डूइंग दिस, अदरवाइज मेरा जो सेशन है वो यूजलेस हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी यूजलेस होने वाली है. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज पेज नंबर 6 दैट आई वॉन्ट यू टू ओपन दैट पेज एंड स्टार्ट विद मी. वॉट वी आर गोइंग टू डू इज आइडेंटिफाई. हम लोग क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि अगले 60 दिन में क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या हमें करना है. ओके, गो विद मी. वट एवर डाउट्स यू हैव सीक्वेंसिंग को लेके, क्या पहले पढ़ें क्या बाद में पढ़ें, उन चीज़ों को लेके और भी जो भी डाउट्स हैं, डू नॉट वरी. पेज नंबर 1 to 5 हैव ऑल दोज डाउट्स रिटन डाउन और मैं वो सारे डाउट्स एक एक करके उठा के ब्रेक अपार्ट भी करूँगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 6. प्लीज़ ओपन दैट. आई होप यू हैव by now downloaded that PDF which I've already shared in the Telegram group and channel. Open page number 6 which starts with quantitative aptitude. Ab quant mein aapko pure syllabus mein jo maine 120 days ka timetable diya tha, which is already there on the website, agar aapne wo abhi tak follow nahi kiya hai, if you're starting now, no need to worry. Maine isme se wo chapters hata diye hain which are less important. या तो वो कम इम्पॉर्टेंट हैं या फिर वो आपको करने ही नहीं हैं. ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट विद क्वांट, दीज आर द टॉपिक्स दैट हैव बीन गिवन टू यू बाय मी इन द 120 डे टाइम टेबल. इसमें मैंने नंबर्स HCF LCM हटा दिया है, क्रॉस कर दिया है. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट दिस इज योर सेकेंड प्रायोरिटी. अब सेकेंड प्रायोरिटी का क्या मतलब है? सेकेंड प्रायोरिटी का मतलब है जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, व्हेन यू विल बी डन विद द एंटायर सिलेबस, only then will you think about this if at all you have time. I'm repeating again, only when and if you have completed the entire syllabus you're going to come and have a look at these chapters, only if you have time, otherwise you can skip it. aap aise skip kar sakte hain isko. okay, what about this quadratic equation? aap bologe sir ye aapne mark nahi kiya hai, iska kya matlab hai? quadratic equation important hai bhi aur nahi bhi, matlab एक या दो क्वेश्चन हर साल क्वाड्रेटिक से आ जाते हैं, बट नॉर्मली दोज क्वेश्चंस आर ऑफ अ डिफिकल्ट लेवल. तो अगर आपका मैथ्स वीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स या वेरिएबल बेस्ड मैथ समझ नहीं आता है, देन यू कैन लीव दिस. इफ योर मैथ्स इज डिसेंट देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, यू कैन कवर इट. तो ऐसे मार्क कर लो बेस्ड अपॉन योर लेवल इन मैथ्स. इफ यू आर वेरी वीक देन इसको काट दो. इफ यू आर डिसेंट और एवरेज और अबव एवरेज तो फिर उसको राइट टिक कर लो, यू कैन कवर इट. लेट्स मूव डाउन. नंबर्स HCF LCM हटा दिया हमने, प्रोबेबिलिटी हटा दिया, ज्योमेट्री हटा दिया, ये हमने 3 चैप्टर्स हटा दिए क्वांट में.
ठीक है ना। क्वांट में ये सारी चीजें हम हटा सकते हैं। रीजनिंग में आते हैं, ऑन द राइट हैंड साइड यू विल सी रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, डिसीजन मेकिंग, इनइक्वालिटी, ये तो आपको करना ही है। इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट रीजनिंग, अगर आपने अभी तक या तो तैयारी शुरू नहीं की है, या फिर आप वीक हो, या फिर एवरेज भी हो, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू कवर दिस इन योर फर्स्ट गो। 60 दिन में ये पॉसिबल नहीं है और आपको परेशान कर देगा। लॉट ऑफ यू माइट थिंक सर 60 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन रीजनिंग, आउट ऑफ दैट अबाउट 20 to 25 क्वेश्चंस कम फ्रॉम अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, द रिमेनिंग 30 to 35 क्वेश्चंस कम फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट्स, अबव टॉपिक्स। तो हम ये क्यों ना करें, दो ही टॉपिक्स हैं। द प्रॉब्लम इज ये आप नहीं क्रैक कर पाओगे, इसमें से 5 या फिर मैक्सिमम 10 मार्क्स यू कैन क्रैक, यू कैन नॉट क्रैक एंटायर 25। हाउएवर इन दिस वेटेज ऑफ 30 to 35 to 40 मार्क्स यू कैन ईजिली स्कोर 25। तो यहाँ पे आप 25 से 30 नंबर यू कैन स्कोर, बट हेयर यू कैन स्कोर अ मैक्सिमम ऑफ 10, एंड इफ यू आर डिसेंट देन यू कैन स्कोर 5। सो योर टारगेट हैज टू बी दिस, और ये आसान भी है, दिस इज डूएबल इन 10-15 डेज, दैट्स ऑल यू नीड, एंड देन यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस। सो व्हाई नॉट फोकस ऑन दिस लो हैंगिंग फ्रूट रैदर देन रन आफ्टर अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, विच इन एनी केस नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, बहुत स्मार्ट भी होगे ना तो भी यू विल बी एबल टू गार्नर ओनली 10 मार्क्स, यू कैन नॉट स्कोर मोर देन 10। इफ यू आर वेरी स्मार्ट इवन देन दिस इज वेयर यू विल गेट स्टक। आई होप इट इज क्लियर। So we are done with, we have understood quant and reasoning, what are the areas that you need to cover in the next 60 days, what are the topics that you can miss or completely skip. Please take a printout of this and paste it in your study area, apne study room mein laga lo, aur jo bhi isme se topic hota jata hai usko write mark apne se karte jao blue pen se. That will give you that confidence that you need. You should always have your room filled with the things which are important for you. सिलेबस तो आपको कोई भी दे देगा, सिलेबस चिपका के दे देंगे, दिस इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस हैव एक्चुअली बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, लेट्स कम टू इंग्लिश नाउ। फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कंबाइनिंग सेंटेंसेज, यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ दीज। इंग्लिश इज सपोज टू बी सुपर ईजी एंड देयरफॉर आई एम नॉट डेल्विंग टू मच इनटू इंग्लिश, बिकॉज यू कैन नॉट, इन एनी केस द टॉपिक्स आर लिमिटेड, यू कैन नॉट मेस अराउंड अलॉट विद द टॉपिक्स। ओके, let's come to finance and management now. Now this is a comprehensive list which had been given about 3 months back, kyunki hame idea tha ki exam 4 mahine 5 mahine baad hoga, to humne 4 mahine ki aapko ek timetable diya tha. A lot of students did follow it, have followed it and have been following it, but if you are one of those who are starting your preparation now, what do you do? Okay, ye cheeze aapko, agar aap course se pad rahe ho to bhi remove kar sakte ho, course se nahi pad rahe ho to bhi यू कैन जस्ट रिमूव दीज थिंग्स फ्रॉम योर टाइम टेबल। ये आपको दो चीज़ दे रहा है टाइम टेबल, जो मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ टेलिंग यू द टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, द टॉपिक्स दैट यू कैन जस्ट गूगल, स्टडी एंड गो एंड राइट द पेपर, नंबर वन। सेकेंडली, इट विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया इफ यू आर इन द कोर्स वॉट ऑल टॉपिक्स यू कैन स्किप फॉर नाउ। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑल दो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउएवर दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स, बट फॉर नाउ यू कैन स्किप इट if you are starting with your preparations now, because it takes a lot of time. I've given it 6 days, it takes hell lot of time, but it creates that platform for you to study upon. However, because we don't have that much time, we have to study the smarter things first, the most important things first, jahan se direct questions aa sakte hain, and this is of course not one of those. Okay, introduction to financial system you have to study. Let's move down and let's figure out what you don't have to study. Stock indices, डिपॉजिटरी रिसीट्स, म्यूचुअल फंड्स, ये तीनों आपको नहीं पढ़ने हैं। फॉर सेबी ऑफकोर्स दीज वर इम्पॉर्टेंट, बट फॉर आरबीआई नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इनको एलिमिनेट कर दिया गया है। लेट्स मूव डाउन, ये सब आपको पढ़ना है, यू हैव टू रीड। सी, दिस इज एन एंटायर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव टू रीड, यू विल नॉट फाइंड सच अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट एनीवेयर एल्स, इवन इन द सिलेबस such a comprehensive list is not available. तो इसका प्रिंटआउट तो आपको लेके रखना ही चाहिए अपने पास, दिस इज एनी वे दिस हेल्प यू। फॉरन करेंसी अकाउंट्स, वन सेकेंड, फॉरन करेंसी अकाउंट्स, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, फॉरेक्स रिस्क,
FX या Forex, Retail. Okay, these are the topics that you can skip completely. I hope you are marking it simultaneously because only then you will remember it और फिर आपको confidence आएगा. Foreign exchange transactions by commercial banks, not very very important, थोड़ा technical हो जाता है, therefore I would say that you can skip it for now. ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने right tick किया है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. बहुत छोटे छोटे topics हैं, so you can easily cover these topics as well. Okay, ये हो गया पूरा फाइनेंस थ्योरी या फिर पूरे फाइनेंस की बात. फाइनेंस न्यूमेरिकल अभी हम स्किप कर सकते हैं. तो हमने ये पूरा फाइनेंस थ्योरी कर लिया. मैंने आपको कितने दिन, अराउंड 9 to 10 days मैंने यहां पे बचा लिया आपके. वन डे हेयर, वन डे कंप्लीट हेयर, दो दिन हो गए, एक दिन पूरा यहां पर, तीन दिन और 6 दिन यहां पर, 9 दिन मैंने आपके यहां पर बचा लिए. इस तरह से हम ट्राई करेंगे कि हम 50 से 60 दिन बचा सकें एंड वी कैन प्रिपेयर एज फास्ट एज पॉसिबल. ओके, लेट्स कम टू मैनेजमेंट नाउ. मैनेजमेंट में मिसलेनियस थ्योरीज, मूनी एंड राइली, ग्राइकोनास, जनरेशनल एंड इंटरनेशनल वैल्यूज, ये आपकी पूरी टॉपिक की लिस्ट भी है. क्लासिक कंडीशनिंग और HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑल दो नॉट गिवन इन द सिलेबस बट मैंने आपको सिलेबस में दिया है, कोर्स में पढ़ाया है. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट दीज एग्जामिनेशंस ऑफन डू नॉट कंप्लाई विद द सिलेबस स्ट्रिक्टली. तो अगर थोड़ा बहुत वो सिलेबस से इधर उधर जाते हैं, दे माइट आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम HRM. हाउएवर, दे विल हैव अबाउट 2 to 3 questions मैक्सिमम, इवन इफ दे डू. देयरफॉर नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर आप 4 महीने पहले तैयारी कर रहे होते, इट वुड हैव मेड सेंस टू कवर HRM, बट नॉट एनी मोर. सो Although I have given it in the course, but मैं आपको recommend करूँगा कि आप अभी के लिए skip कर सकते हो. okay? तो ये हो गया पूरा HRM, पूरा HRM मैंने हटा दिया. थोड़ा सा नीचे का HRM का पार्ट मैंने डाला है, TQM and Kaizen, Lean Systems, Quality of Work Life, Collective Bargaining, Employee Welfare, Morale. ये मैंने डाले हैं because मुझे लगता है कि important है, वहाँ से questions आ सकते हैं. Employee Counseling, Industrial Relations, Grievance Handling, Disciplinary Action, ये फिर से मैंने हटा दिए हैं. And then there are some topics again which I feel are important and can be asked in the examination. इसलिए मेरे खाली बताने से नहीं होगा, आपको इसका प्रिंटआउट लेके अपने पास रखना पड़ेगा. दीवार पे चिपकाओगे नहीं जब तक, तब तक काम नहीं आएगा. अपने रूम में आपको इसको रखना पड़ेगा. ओके, दिस शुड एक्ट लाइक योर बाइबल. कमिंग टू एंटायर न्यूमेरिकल पोर्शन, आई वुड रिकमेंड दैट यू स्किप इट फॉर नाउ. वेन एंड इफ यू आर डन विद द एंटायर सिलेबस, ओनली देन डू यू पिक इट अप, अदरवाइज यू डोंट. ओके, नीचे आते हैं. इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैव बीन रिमूव्ड. गवर्नमेंट स्कीम्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, इनफैक्ट यू हैव टू कवर इट बिफोर योर फेज वन. ESI का सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है उसमें. सो वट एवर यू कवर, वट एवर इज गिवन इन द PDFs हैज़ टू बी कवर्ड. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीकल्चरलिज्म, ये दो टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो. मल्टीकल्चरलिज्म मैंने इन एनी केस नहीं पढ़ाया बिकॉज देर आर नो क्वेश्चन फ्रॉम देयर. Reservation, I don't think it is important anymore. It is given in the syllabus, but I'm not expecting anything from here, so you can skip it. Everything else has to be read, और आप चीज़ें skip नहीं कर सकते. तो देखो, मैंने 10 मिनट में आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. What are the areas that are important from your examination point of view? क्या क्या topics आपको पढ़ने हैं और क्या आप skip कर सकते हो. What are the topics that you can skip? To make sure that you can cover the entire syllabus in the next 60 days. Okay, so this was page 6. Let me come to the more important part now, जो कि मैं आपको बता रहा था सबसे ज़्यादा important है, page number 1 to 5. Let us start. Page number 1 says, create a study timetable. आपको एक दिन में 2 subjects ही पढ़ने हैं maximum, 1 strong and 1 weak. It cannot be more than 2 subjects. It can be 1 subject if you're comfortable with that, but it cannot be 3 or more. Otherwise, your productivity will be 0. Okay, mind my words, keep my words very, very strictly and very sincerely and very, very seriously. 3 subject नहीं पढ़ सकते, आपकी productivity नहीं आएगी. 2 subject रखो maximum. Current affairs के लिए क्या करना है? Although Manish sir keeps guiding about current affairs, Neha ma'am keeps guiding you about spotlight, Tanvi ma'am keeps guiding you about RBI 247. But I want to repeat it again, 6 months of spotlight, 1 year of RBI 247, 1 year of PIB 247, this is a must. You cannot skip it.
स्किप करोगे कहीं ना कहीं हर्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज दीज आर स्पेसिफिकली मेड फॉर आरबीआई एंड नाबार्ड एग्जामिनेशन, तो आप स्किप नहीं कर सकते हो. ओके, डू नॉट बिगिन योर प्रिपरेशन विद करंट अफेयर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कभी भी ऐसा गलती ना करें. करंट अफेयर्स इज नेवर एंडिंग, इट नेवर फिनिश, and therefore you will never be able to finish your syllabus, your preparation. You want to put a stop to your preparation, and then you want to start revising. For that to happen, you have to make sure that you're starting with your syllabus, complete your syllabus, and when you're about to complete your syllabus, only then do you start with your current affairs. Otherwise, till that time, you don't put current affairs as your priority. Wo first priority nahi hona chahiye. Okay, niche chalte hain. Let's go down. Improve your writing skills by giving at least one test every week. ये मैं 6 महीने से बोलता आ रहा हूँ, and now I have started making sure that students write by calling them into a live session and then asking them, लिखो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ. For the next 60 minutes, I am sitting here, you write. After that, I will check your paper. So that's a new way of forcing, if I must say, students to write. Because of laziness, procrastination, stress, anxiety, failure to change the method of your study, you're not able to write. हमको कभी लिखवाया नहीं गया अच्छे से, तो हम लिखना नहीं जानते. So this is a problem that we face. The solution that we figured out is, let me call the students in a live session, let me ask them to write. The ones who write regularly will be winners in the examination. It is the only way that you can move past UPSC aspirants. Otherwise, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे उस साइकिल में. UPSC वाले आपसे आगे निकल जाएंगे, because of course they are better writers. They write regularly. And you can be just like them or better than them if you write regularly. मैंने यहाँ पे बताया है आपको वीक में एक दिन निकालना है लिखने के लिए. That is very very relevant. Okay. Page number 2 पे आते हैं. Important techniques. Active revision is the first technique. There is a video on active revision in my YouTube channel. वो जाके देख लो, उससे समझ आ जाएगा active revision होता क्या है, how does it work, how do you have to do it. If you don't do active revision, what will happen is you will have to read the same thing multiple times. आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा. Active revision करोगे तो 10 की जगह 2 में काम हो जाएगा. That is the importance and impact that active revision can have in your prep. तो active revision करना बहुत जरूरी है. नीचे आते हैं. डोंट डिवोट टू मच टाइम ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर. हिंदू जैसे न्यूज़पेपर उठा के टाइम वेस्ट मत करो. मैं भी आज हिंदू उठाता हूँ सुबह, तो ट्राई करता हूँ कि 30-45 मिनट्स, 1 आवर मैक्सिमम में खत्म कर दूँ उसको. आई डोंट वॉन्ट टू डिवोट 3 आवर्स टू हिंदू न्यूज़पेपर. बहुत सारी चीज़ पढ़ने और बढ़ाने के लिए हैं आपके लिए भी. यू ऑल्सो हैव अ लॉट टू रीड अदर देन हिंदी न्यूज़पेपर. उसमें इनपुट बहुत ज़्यादा है, आउटपुट बहुत कम है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट स्टार्ट योर डे विद अ न्यूज़पेपर. एंड योर डे इन फैक्ट विद अ न्यूज़पेपर. ओके, मैं इसके लिए बारे में डिटेल में अलग से बात भी करूंगा. पेज नंबर 3, 4 स्टेप्स ऑफ QRE मॉक्स. हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द मॉक्स इन द राइट वे. देर आर 4 स्टेप्स ऑफ राइटिंग QRE मॉक्स. इसका भी वीडियो YouTube पे डाला है. YouTube पे जाके, मेरे चैनल पे जाके सर्च कर लो 4 स्टेप्स ऑफ QRE मॉक्स. बैठ के आराम से देखो, 10-15 मिनट का वीडियो है. यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन द नेक्स्ट मॉक. ओके, एलिमिनेशन टेक्निक ये पेज 3 पे है, ये भी आप देख सकते हो. पेज नंबर 4 पे आते हैं. क्रैमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा स्कूल में आपके नंबर कम क्यों आते थे, क्योंकि आप रटते नहीं थे और फिर दूसरों को बोलते थे ये तो रटता है इसलिए इसके नंबर ज़्यादा आते हैं. बट क्रैमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बोथ ऑफ देम गो टुगेदर. यू हैव टू हैव बोथ द स्किल्स. यू कैन नॉट जस्ट अंडरस्टैंड एंड गो इन द एग्जामिनेशन एंड एक्सपेक्ट कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. You cannot just cram and go and expect कि आपका selection हो जाएगा. You have to do both. So please accept this fact, this reality that you have to do both the things because it is a descriptive examination now. Okay? Mesh technique. I will be talking about mesh technique very very soon in another session. मैं उसके बारे में अलग से detail में बात करूँगा. How can it make sure that you're successful in your first attempt itself or in your latest attempt? क्या है ये mesh technique? उसके बारे में detail में मैं बात करूँगा. नो नेटफ्लिक्स मेक, आज ये डिसाइड कर लो, नो नेटफ्लिक्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स. वेरी वेरी रेलिवेंट, उसके बिना नहीं हो पाएगा, आपका काम नहीं चलेगा. ओके, लास्ट पेज नंबर 5, 2 मंथ्स नाउ. 4 महीने की थी पहले, इसलिए इसमें चीज़ें काटी गई हैं. मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स इन 1 डे, मैंने आपको बता दिया. रिपीट द साइकिल.
instead of reading new things, decide the list of what you want to read and then repeat the cycle. Ek bar khatam hone ke baad repeat. The more you revise, the better you're going to get. Phase 1 current affairs 6 months, phase 2 current affairs 1 year. Okay? So this was all about the entire 2 month strategy, 60 day strategy, जो कि खाली बोलने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है. देर इज अ डिटेल्ड टाइम टेबल, देर इज अ डिटेल्ड प्लान कंसिस्टिंग ऑफ अ टोटल ऑफ सिक्स पेज, जिसमें एक पेज बोल रहा हूँ मैं, बट इट इज लॉन्गर बिकॉज इट हैज़ द एंटायर टाइम टेबल. इफ यू हैव नॉट यू नो डाउनलोडेड दिस टाइम टेबल, डू इट नाउ. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक डाल दिया है, वहाँ पर जाके देख लो. ये PDF डला हुआ है, उसको डाउनलोड कर लो. इट्स कम्प्लीटली फ्री. Print it, put it with you, keep it with yourself and follow these 6 pages religiously. I can assure you, if you follow these 6 pages religiously, aapko koi nahi rok sakta exam clear karne se. Isme sab kuch mentioned hai, ek ek point aapko dhyan rakhna hai, you cannot skip any point. Theek hai? Chaliye, all the best guys, take care, bye bye, Jai Hind, I'll see you very very soon again.